फ्रेंड्स, आज की ये रेसिपी आप सबको बहुत पसंद आने वाली है क्योंकि ये है बिल्कुल चटपटी, कुरकुरारी और खाने में बहुत ही लाजवाब। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ दही पापड़ी चाट की रेसिपी। इसे बनाना बहुत आसान है और आप पापड़ी बनाकर महीनों भर आराम से स्टोर करके रख सकते हैं और आपका जब मन हो तब आप पापड़ी चाट को एंजॉय कर सकते हैं। मैं आपको एक पापड़ी ब्रेक करके दिखाती हूँ। ये देखिए, आप इसकी आवाज़ सुन पा रहे होंगे कि ये कितनी क्रिस्पी है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके की जब क्रिस्पी कुरकुरारी पापड़ी बनती है तो उसकी जब हम दही पापड़ी चाट बनाते हैं तो वो बहुत टेस्टी लगती है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रियाज वर्ल्ड। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊंगी दही पापड़ी चाट बनाना बहुत ही आसान तरीके से, जिसमें आपकी जो पापड़ी है वो बिल्कुल कुरकुरारी बनेगी और जब आप इसका स्वाद लेंगे तो आपको इसका स्वाद बहुत ही लाजवाब लगेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं बिना देरी करते हुए बताती हूँ आपको दही पापड़ी चाट बनाना। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इसी के साथ साथ एक लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, मेरी और भी रेसिपीज़ अगर आपको अच्छी लगती हैं तो मुझे कॉमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। दही पापड़ी चाट बनाने के लिए सबसे पहले मैं उसकी पापड़ी को रेडी कर रही हूँ, जिसके लिए मैंने यहाँ पर 500 ग्राम मैदा लिया है और अब मैं इसमें ऐड करूँगी आधा कप बारीक सूजी। अगर आपके पास में बारीक सूजी ना हो तो आप ग्राइंडर में थोड़ा सा पीस लीजिएगा। तो आधा कप मैंने यहाँ पर बारीक सूजी ऐड कर दी है, इससे हमारी जो पापड़ी है वो बहुत क्रिस्पी बनेंगी। और इसी के साथ मैं यहाँ पर ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून अजवाइन। अजवाइन ज़रूर डालें, डाइजेशन भी अच्छा होता है और स्वाद भी बहुत अच्छा आता है। अजवाइन ऐड करने के बाद मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ 2 बड़े चम्मच ऑयल। तो मैं यहाँ पर 2 बड़े चम्मच ऑयल ऐड कर रही हूँ और इसी के साथ स्वाद अनुसार नमक। सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और ये मटेरियल मैंने एक बड़े परात में शिफ्ट कर लिया है, जिससे कि डो लगाना आसान हो जाएगा। और अब मैं थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसका मठरी जैसा सख्त डो रेडी करूँगी। डो इतना सख्त हो कि आप बस उसे आसानी से बेल पाएँ, बहुत ज़्यादा हार्ड भी मत करिएगा जिससे बेलना आसान ना हो। तो फ्रेंड्स, बस आप इसे बिल्कुल मठरी की तरह, जैसे हम डो बनाते हैं उसका बिल्कुल वैसा ही डो बनाइएगा। तो अब मैं थोड़ा थोड़ा पानी ऐड कर रही हूँ, एक साथ सारा पानी ऐड नहीं करेंगे और अब फटाफट से इसका डो रेडी कर लेती हूँ। तो बस फ्रेंड्स, बिल्कुल मठरी बनाने वाला डो जो होता है, बिल्कुल वैसा ही डो हमने पापड़ी के लिए रेडी कर लिया है। तो अब मैं वापस से इस डो को इस बर्तन में शिफ्ट कर लेती हूँ और इसे 15 से 20 मिनट इसी तरह से ढककर छोड़ देंगे, जिससे सूजी भी आसानी से आटे के साथ में जो हमने मैदा लिया है सेटल हो जाएगी और इसे हम 15 से 20 मिनट के बाद पापड़ी बनाने के लिए लेंगे, यूज़ करेंगे। डो को ढककर रखे हुए 15 मिनट हो चुके हैं तो अब हम बनाएंगे इसकी पापड़ियाँ। तो ये देखिए कितने अच्छे से डो सेटल हो चुका है। इसे मैं बाहर निकाल लेती हूँ और थोड़ा सा इस तरह से मसल लेती हूँ। तो इसे अच्छे से मैंने मसल लिया है। तो सबसे पहले हम इसके छोटे छोटे पोर्शन को ले लेंगे इस तरीके से। तो इस तरह से मैंने इसके छोटे छोटे बॉल्स बना लिए हैं। अब एक बॉल ले लूंगी और इसे अब मैं बेलूंगी। यहाँ पर मैंने एक पेड़े को ले लिया है, इसे हम अच्छे से मसल लेंगे इस तरह से, जिससे कि
जब हम इसे बेलेंगे तो बेलना और इजी हो जाएगा। और इस तरह से हल्का सा दबा के अब मैं इसे बेलूंगी। तो एक समान हाथ से हमें इसे बेलना है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम रोटी को बेलते हैं। अगर आटा अच्छे से गूंथा होगा तो आपको इसमें ड्राई आटा लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती है और ना ही तेल लगाने की ज़रूरत पड़ती है। तो बस इस तरह से प्रेस करते हुए चारों तरफ बिल्कुल समान बेलना है। और जितना इसे हम पतला बेलेंगे पापड़ी उतनी ही कुरकुरी बनती है, इसीलिए आपसे जितना हो सके उतना इसे पतला बेलिएगा। तो ये देखिए, मैं बिल्कुल इसको चारों तरफ फैला के एक समान आकार में बेल रही हूं। तो ये देखिए मैंने इसे कितना पतला बेला है। तो इतना ही पतला आप इसे बेल लीजिएगा, आपसे जितना पतला हो सके उतना पतला बेलिए। अब मैंने यहाँ पर एक फॉर्क ले लिया है और इसकी हेल्प से मैं इसमें इस तरह से छेद कर दूंगी, प्रिक कर दूंगी इसे। ऐसा करने से पापड़ी जो है तलते समय पूड़ियों की तरह नहीं फूलेगी और बनेगी एकदम कुरकुरारी। तो बस अब हम इसे इस तरह से प्रिक कर देते हैं। तो मैंने इस पूरी रोटी में अच्छे से प्रिक कर लिया है, छेद कर दिए हैं इसमें। और अब मैं इसे पापड़ी का शेप देने के लिए ये ग्लास ले रही हूँ, जो आगे से देखिए इस तरीके से कटिंग करने में हेल्प करेगा। तो मैं यहाँ पर इसी साइज़ की पापड़ी बना रही हूँ। आप चाहें अगर छोटी पापड़ी बनाना चाहते हैं तो थोड़ा छोटे साइज़ का अगर कटोरी या गिलास है आपके पास में तो वो ले लीजिएगा। और बस अब मैं इसे ऐसे रखूँगी और इस तरह से इसमें कट लगाऊंगी। तो ऐसे हम इसमें राउंड राउंड कट लगा लेंगे। बहुत आसान है इसे बनाना। तो देखा आपने किस तरीके से मैंने इसमें कट लगाया। जो एक्स्ट्रा ये डो है इसे हम निकाल लेंगे और वापस से अपने पुराने डो में इसे हम मिला के रख देंगे आगे पापड़ी बनाने के लिए। और अब मैंने यहाँ पर एक प्लेट ले ली है, इसमें मैं अपनी इन पापड़ियों को निकाल के रख लेती हूँ। ये बहुत पतली पतली मैंने पापड़ियाँ बनाई हैं, बेली हैं। फ्राई होने के बाद ये बहुत क्रिस्पी होती हैं। तो ये देखिए बस इसी तरह से मैं सारी पापड़ियों को बना लेती हूँ और उसके बाद आपको इन्हें फ्राई करके दिखाऊंगी। तो ये फ्रेंड्स कुछ पापड़ियाँ मैंने बेलकर तैयार कर ली हैं और अब मैं इन्हें फ्राई करके दिखाती हूँ। पापड़ी फ्राई करने के लिए ऑयल को मैंने मीडियम फ्लेम में गरम कर लिया है। एक छोटी सी डो की बॉल इसमें मैं डाल के चेक कर लेती हूँ। तो ऑयल हमारा अच्छे से गरम हो चुका है, ये बॉल अपने आप ही फ्राई होके ऊपर आ गई है। तो बस हमें मीडियम फ्लेम में ही ऑयल को गरम करना है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। हाई फ्लेम में ऑयल गरम ना करें। और अब मैं इसमें पापड़ी को डाल दूंगी। गैस की फ्लेम लो मीडियम रखिएगा, हमें इसे लो मीडियम में ही फ्राई करना है। लो मीडियम फ्लेम में फ्राई करने से हमारी जो ये पापड़ी हैं वो अच्छे से सिकती हैं, अच्छे से फ्राई होती हैं और
बिल्कुल कुरकुरारी बनेंगी। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि फॉक की हेल्प से इसमें छोटे छोटे छेद कर लीजिएगा। छेद करने से ये पूड़ियों की तरह नहीं फूलेंगी। आप देख पा रहे होंगे कि ये पूड़ी की तरह नहीं फूली है। एक मिनट इसे हम इसी तरह से अभी बिना टर्न किए, बिना उल्टे पलटे इसी तरह से हम फ्राई होने देते हैं और एक मिनट के बाद मैं इसे पलटूंगी, उलट पलट करूंगी और इसे हमें बिल्कुल गोल्डन कलर होने तक अच्छे से फ्राई करना है। जितने अच्छे से ये फ्राई होंगी पापड़ी उतनी ही क्रिस्पी और क्रंची लगती है। तो एक मिनट इन्हें फ्राई होते हुए हो चुका है तो मैं यहाँ पर इसे टर्न करूँगी और इसे हम गोल्डन होने तक इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो बस इसे मैं उलट पलट कर रही हूँ। गैस की फ्लेम को मैंने मीडियम में लिया हुआ है। गैस की फ्लेम ध्यान रखिएगा लो मीडियम पर ही लीजिएगा और बस इसे हम अच्छी तरह से गोल्डन होने तक फ्राई करते हैं। बीच बीच में इसे चलाते रहिएगा, तब तक मैं इसे फ्राई होने देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, इनका कलर कितने अच्छे से गोल्डन होने लगा है। तो बस 30 सेकेंड मैं इसे इसी तरह से और फ्राई होने दूंगी और उसके बाद मैं इसे छान लूंगी। इन्हें 30 सेकेंड हो चुके हैं अब और अब मैं इन्हें छान के अलग कर लूंगी। आप देख पा रहे होंगे कि कितना अच्छा गोल्डन कलर आया है इनमें। तो बस इस तरह से हम थोड़ा सा किनारे पे ले लेते हैं, एक्स्ट्रा तेल कढ़ाई में वापस चला जाएगा और इसे हम छान के अलग कर लेंगे। तो ये देखिए कितनी अच्छी लग रही हैं ये पापड़ी। मैं इसे प्लेट में ले लेती हूँ। कितनी कुरकुरारी हैं आपने आवाज़ सुनी होगी। तो बस सारी पापड़ी मैं इसी तरह से छान लेती हूँ और फिर आपको बताऊंगी पापड़ी चाट बनाना। तो देखिए फ्रेंड्स, सारी पापड़ी मैंने तैयार करके रख ली है। मैं आपको एक पापड़ी ब्रेक करके दिखाती हूँ। ये देखिए, आप इसकी आवाज सुन पा रहे होंगे कि ये कितनी क्रिस्पी है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके की जब क्रिस्पी कुरकुरारी पापड़ी बनती है तो उसकी जब हम दही पापड़ी चाट बनाते हैं तो वो बहुत टेस्टी लगती है। तो चलिए अब मैं आपको बताऊंगी इसकी दही पापड़ी चाट बनाना। बने रहिएगा मेरी वीडियो में। फ्रेंड्स, ये पापड़ी आप बनाकर एक महीने तक एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके आराम से रख सकते हैं और जब आपका मन हो तब आप इसकी दही पापड़ी चाट बनाकर इंजॉय कीजिए। दही पापड़ी चाट बनाने के लिए मैंने यहाँ पर दही ले ली है, ये नॉर्मल खट्टी दही है और अब मैं इसे थोड़ा सा मदानी से मत लेती हूँ क्योंकि आप किसी भी तरह की चाट बनाएं जिसमें आप दही का यूज़ करते हैं तो उसमें दही अच्छे से अगर मथा होता है, अच्छे से फेटा हुआ होता है तो उसका स्वाद बहुत अच्छा आता है। तो अगर आपके पास में चम्मच है तो आप चम्मच से इसे हल्का सा फेंट लीजिए। तो इस तरीके से हम दही को थोड़ा सा फेंट लेते हैं और इसी बीच में मैं यहाँ पर ऐड करूंगी काला नमक, ये है 1/4 चम्मच और इसी के साथ साथ मैं यहाँ पर 1/2 छोटी चम्मच के बराबर डाल रही हूँ शुगर। इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है तो आप दही में पहले से ही थोड़ा सा नमक, काला नमक और चीनी को मिला लीजिएगा और इसे फिर से इस तरह से मत लीजिएगा या फेंट लीजिएगा। तो मैं इसे इस तरह से चला लेती हूँ। तो बस दही पापड़ी चाट के लिए दही बनकर हो गई है रेडी और अब मैं आपको बताऊंगी और मसाले और इंग्रेडिएंट्स जिसे हम ऐड करेंगे दही पापड़ी चाट बनाने के लिए। दही पापड़ी चाट के लिए दही किस तरह से हम तैयार करें वो तो मैंने आपको बता दिया है। उसके अलावा मैंने यहाँ पर लिया है भुना हुआ जीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर, चाट मसाला पाउडर,
लाल मिर्च पाउडर, हरी धनिया पुदीना की चटनी, खट्टी मीठी इमली गुड़ की चटनी, काला नमक, सेव और कुछ अनार के दाने। तो यहाँ पर जो ये हमने पुदीना की और धनिया की चटनी ये जो बनाई है, इसकी रेसिपी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। आप डायरेक्ट उसे वहाँ से जाके भी देख सकते हैं और इसी के साथ साथ आप इसे प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं मेरी चटनी सीरीज़ में। चटनी सीरीज़ में आपको मेरी और तरीके की चटनी भी दिखाई देंगी, जहाँ पर आप आसानी से उन्हें देख के और चटनी भी बना सकते हैं। और इसी के साथ साथ खट्टी मीठी इमली और गुड़ की चटनी भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रही हूँ और इसी के साथ साथ आप इसे भी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और ये दोनों चटनी आप ऊपर आई बटन में भी देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बस ये सारे इंग्रेडिएंट्स हम यूज़ करेंगे अपनी दही पापड़ी चाट बनाने के लिए। जो ये सेव मैंने लिए हैं, अगर आपको इससे भी बारीक सेव मिल जाएँ तो और अच्छा है, और ज़्यादा अच्छा लगता है उसके साथ खाना। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ किस तरह से मैं बनाऊँगी दही पापड़ी चाट। दही पापड़ी चाट बनाने के लिए मैंने एक प्लेट में कुछ पापड़ियाँ इस तरह से सजा के रख ली हैं और अब मैं इसमें ऐड करूँगी दही। तो हम इस तरह से इसके ऊपर दही को डाल देंगे। तो ये देखिए, मैंने इस तरह से दही को अच्छे से सारी पापड़ी के ऊपर फैला दिया है। और इसी बीच ये दही डालने के बाद हम क्या करेंगे, अपनी जो ये बची हुई दही है इसमें कुछ पापड़ियों को इस तरह से डाल के डिप कर देंगे और उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से। तो दही में हमने अपनी पापड़ियों को इस तरह से डाल लिया है, इसे डिप कर दिया है और ये डिप की हुई पापड़ी भी अब हम इसके ऊपर सजा देंगे। इस तरह से इसे डालने के बाद अब मैं यहाँ पर ऐड करूँगी भुना हुआ जीरे का पाउडर। तो भुने हुए जीरे का पाउडर हम इसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे और इसी के साथ काली मिर्च पाउडर, साथ ही साथ चाट मसाला पाउडर, रेड चिली पाउडर, तीखा आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कीजिएगा, काला नमक। काला नमक हमने एक चौथाई चम्मच दही में भी डाला था, इसीलिए नमक आप अपने स्वाद के अनुसार ऐड कीजिएगा। तो ये डाल दिया है हमने काला नमक, इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और ये डालने के बाद अब मैं यहाँ पर ऐड करूँगी इमली गुड़ की खट्टी मीठी चटनी। तो इसे भी हम अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। इसी के साथ धनिया पुदीने की चटनी, तो ये हमने डाल दी है धनिया और पुदीने की चटनी। इसे डालने के बाद मैं यहाँ पर कुछ पापड़ियों को मैंने इस तरीके से ब्रेक कर लिया है, उसे भी इनके ऊपर डाल दूंगी। बहुत अच्छा टेस्ट आता है इस तरीके से डालने से। तो कुछ पापड़ी मैंने फिर से इसके ऊपर स्प्रेड कर दी है और इसमें मैं थोड़ा सा दही ऊपर से और डाल दूंगी। थो
थोड़ी सी चटनी ऊपर से स्प्रेड कर देंगे। इस तरह से, और इसके बाद ये सेव, अगर आपको महीन सेव मिल जाए तो और ज्यादा अच्छा है। मेरे पास अभी यही अवेलेबल है, लेकिन इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है, तो आप इसे जरूर डालें, बहुत अच्छे लगते हैं ये। तो बस कुछ सेव हमने इसके ऊपर डाल दिए हैं, और अब यहां पर मैं ऐड करूंगी अनार। तो कुछ अनार के दाने आप इसके ऊपर इस तरह से डाल दीजिए। फ्रेंड्स, ये बहुत टेस्टी लगते हैं, इस तरीके का जो फ्लेवर है बहुत अच्छा आता है, खट्टा मीठा चटपटा। तो ये रेडी हो गई है मेरी दही पापड़ी चाट। आई होप आप सभी ने मेरी इस रेसिपी को एंजॉय किया होगा। फ्रेंड्स, इसे आप जरूर ट्राई कीजिएगा, और अगर आप फास्टिंग में हैं, अगर आप व्रत रख रहे हैं, और ऐसे समय में अगर आप लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, तब भी आप बिना लहसुन प्याज के केवल खट्टी मीठी चटनी और बिना लहसुन प्याज वाली चटनी बना के, और साथ ही साथ सेंधे नमक से ये पापड़ी चाट बना सकते हैं और इसे इंजॉय कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आगे भी मैं और अच्छी अच्छी रेसिपीज आपके लिए लेकर आती रहूँगी, तो बने रहिएगा मेरे चैनल पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।